ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं पायलट सर्वे के बारे में। पायलट सर्वे का ओवरव्यू अभी हमने पिछले वीडियो में लिया है। सो पायलट सर्वे होता क्या है? सो इट रेफर्स टू ट्राई आउट सर्वे कवरिंग अ वेरी स्मॉल सैंपल ऑफ द यूनिवर्स ऑफ योर स्टडी। यूनिवर्स क्या होता है, मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो आपका टोटल पैरामीटर है या फिर टोटल आपका एरिया है जिसके बारे में आप इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, जैसे टोटल नंबर ऑफ आपके पर्सनस हैं, ठीक है ना। यूनिवर्स का मतलब यहाँ पर वो ब्रह्मांड नहीं है, ठीक है। सो यूनिवर्स का मतलब यहाँ पे क्या है, आपकी स्टडी के लिए, आपके इन्वेस्टिगेशन के लिए जितने पर्सन्स की आपको नीड है, जैसे 1000 पर्सन्स का आप डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं या फिर 1 लाख पर्सन का आप डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं, सो यूनिवर्स जो है आपका वो पर्टिकुलर पैरामीटर होगा, ठीक है। सो पायलट सर्वे में आप क्या करते हैं, एक छोटा सा एरिया है, जैसे आपके जो पूरा यूनिवर्स है उसका आप छोटा सा पार्ट लेते हैं, उसके सैंपल वगैरह आप लेने स्टार्ट कर देते हैं। सो व्हाई डू वी डू इट, हम क्यों करते हैं ये, ठीक है ना। इसका पर्पस क्या है, पर्पस के बारे में जान लेते हैं। दिस इज़ ए पार्ट ऑफ प्री टेस्टिंग ऑफ योर क्वेश्चनियर। भाई आपके क्वेश्चनियर का ना प्री टेस्टिंग होती है यहाँ पर। भाई पहले पूरे आपके क्वेश्चनियर को देखा जाता है, क्या उसके रिजल्ट आने वाले हैं, एक छोटा मोटा आपको आइडिया जो है वो लग जाता है यहाँ पे। सो दिस हेल्प्स यू टू असेस क्वालिटी ऑफ योर क्वेश्चनियर। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपके क्वेश्चन की क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं है वो सब पता चल जाता है आपको। एंड द वे रिस्पोंडेंट्स रिस्पॉन्ड टू द सेट ऑफ क्वेश्चन। और रिस्पोंडेंट्स जो हैं, भाई आपको तैयार रहना पड़ेगा कि रिस्पोंडेंट्स आपके कैसे आपके क्वेश्चन के लिए आंसर देने वाले हैं। सो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है ना, आपको पहले से ही आइडिया मिल जाएगा भाई किस तरीके से जो आपका डाटा है कैसे कलेक्ट होगा, कैसे लोग आपके क्वेश्चन के आंसर देंगे, ये सब चीज़ें क्या आती हैं आप पायलट सर्वे में आप देख सकते हैं। अकॉर्डिंगली यू आर एबल टू नो इन एडवांस द शॉर्ट कमिंग्स। सो इससे क्या हो जाएगा, भी आपके क्वेश्चनियर में अगर कोई कमी है, कोई खामियां हैं, तो उन्हें आप पूरा कर सकते हैं जल्दी जल्दी से। भाई आप एक बार 1000 लोगों तक लेकर जाएंगे, फिर आपको खामियों का पता चले, इससे अच्छा ये है ना भाई 20-30 लोगों में ही आपको जो भी कमियां हैं, अगर पर्सन्स तो बता ही देंगे ना भाई, रिव्यू देंगे, अपना फीडबैक देंगे, इससे आपको पता चल जाएगा भाई क्या क्या कमियाँ हैं आपके क्वेश्चन में, क्या क्या और ऐड ऑन किया जाना चाहिए। इन सबसे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा भाई क्या क्या और इम्प्रूवमेंट की आप के सर्वे के लिए ज़रूरत है। सो रिक्वायर्ड चेंजेस जो भी होंगे वो किए जा सकेंगे, ठीक है ना। और फिर फाइनल सर्वे वो आसानी से हो जाएगा, थोड़ा आपको पहले ही पता चल जाएगा ना भाई क्या रिस्पॉन्स क्या रहेगा पर्सन्स का आपके सर्वे के लिए। सो पायलट सर्वे किस किस चीज़ों में आपके हेल्प करते हैं, भाई इन असेसिंग क्वालिटी एंड सूटेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन की सूटेबिलिटी क्या है, क्वालिटी कैसी है, ठीक है ना भाई, किस तरह से लोगों को वो सूटेबल है आंसर देने के लिए या नहीं, तो ये अच्छे से आपको पता चल जाएगा। इन असेसिंग परफॉर्मेंस ऑफ द इन्यूमरेटर्स, आपके जो इन्यूमरेटर्स हैं, जो पर्सन जो हैं जिनको अपॉइंट किया गया है आपका फेस टू फेस बात करने के लिए पर्सन से या फिर सर्वे करने के लिए, उन सब की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, वो कैसा काम कर रहे हैं, तो एक छोटे लेवल पर उनका काम जो है अच्छे से देख लिया जाता है। इन डिज़ाइनिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर द इन्यूमरेटर्स, इन्यूमरेटर्स के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह बनानी है तो इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, उसमें ये सब सर्वे का बहुत अच्छे से यूज़ हो जाता है। भाई किस तरह से उन्हें और एनहेंस उनकी जो कैपेबिलिटी है उनको और अच्छे से कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे वो उनको और टिप्स दे सकते हैं और ट्रेनिंग दे सकते हैं, भाई इसी तरीके से आप और अच्छे से काम कर सकते हो, तो ये सब चीज़ें हम पायलट सर्वे के थ्रू उनको बता सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या होगा, इन असेसिंग द कॉस्ट एंड टाइम इन्वॉल्व इन द फाइनल सर्वे। भाई 20-30 लोगों का या फिर जब आपके मैं 1000 के हिसाब से बता रही हूँ, सो जब आप एक स्मॉल लेवल पर छोटे लेवल पर आप जब सर्वे कर लेते हैं तो इसमें क्या करेंगे, आपको कॉस्ट का पता चल जाएगा, आपको टाइम का पता चल जाएगा, भाई इतने पर्सन के लिए इतना टाइम इतने कॉस्ट लग रही है, तो उसके हिसाब से फाइनल सर्वे में कितने लोगों जितने लोग आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं उसके हिसाब से कितना टाइम लग जाएगा, कितने पैसे लग जाएंगे, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से यहाँ पर पता चल जाएंगी, ठीक है। सो ये था आपका पायलट सर्वे।